नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आप देख रहे हैं कचहरी से लेकर संधा रिंग रोड तक बनने वाले 4 लेन सड़क परियोजना का लेटेस्ट अपडेट। शुरुआत आपका पुलिस लाइन चौराहे से। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहां पर डिवाइडर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन फिलहाल अभी नाली का काम यहाँ पर बचा है दोनों तरफ। आज तारीख की बात करूँ तो आज है 4 जनवरी और गुरुवार का दिन है। तो चलिए आपको ये आपका पांडेपुर फ्लाईओवर है, पूरा आपको संधा रिंग रोड तक मैं ले चलूंगा। बनारस में इस समय काफी ठंड पड़ रही है और कोहरा बहुत ज्यादा है और बारिश भी हुई थी, फिलहाल अभी रुकी हुई है। आपका यहाँ पर पांडेपुर फ्लाईओवर समाप्त होता है और इससे आगे आपको ले चलते हैं काली माता का ये मंदिर है बाएं तरफ। और यहाँ से आप देखेंगे तो काफ़ी तेज निर्माण है इस सड़क मार्ग का, जैसा कि ये देख रहे हैं भवनों का अभी भी टूटना जारी है, क्योंकि काफ़ी भवन यहाँ पर बचे हुए हैं जिनको तोड़ा जाना बाकी है। काफ़ी संख्या में लोग अपनी दुकानें आगे बढ़ा लिए थे जिनको कि फिलहाल पीछे किया जा रहा है। आगे ही आपका नवीन पहाड़िया मंडी है, सड़क कम से कम 6 लेन होना चाहिए था ये, क्योंकि 4 लेन सड़क बनने के बाद भी आपको जाम से मुक्ति फिलहाल उतनी नहीं मिलेगी जितनी की मिलनी चाहिए। ये है आगे की तरफ पहाड़िया सब्जी मंडी वाराणसी में, और ये आगे सीधे चले जाएगा आपका सारनाथ होते हुए आशापुर फ्लाईओवर पार करके संधा रिंग रोड तक जाएगा ये। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर नवीन पहाड़िया मंडी के आगे डिवाइडर यहाँ पर तोड़ के हटा दिया गया है और इसकी जगह नए डिवाइडर बनाए जाएंगे, जिसके बीचों बीच में पेड़ पौधे लगेगा और स्ट्रीट लाइट।
काफ़ी जाम हो जाता है ये सड़क मार्ग। यहाँ देखेंगे तो यहाँ से डिवाइडर बनना शुरू हो गया है, जिसका कि जगह जगह काम भी चल रहा है। बीच में जगह दिया जा रहा है पेड़ पौधों के लिए। और काफ़ी यहाँ पर फोर लेन काफ़ी छोटा नज़र आता है, इसको थोड़ा सा और चौड़ा करना चाहिए था। पांडेपुर में आगे आप देखेंगे तो आगे में काफ़ी चौड़ा ये सड़क मार्ग हो जाता है। किनारे आप देख पा रहे हैं किस प्रकार दुकानें टूटी हैं, जबकि और टूटना चाहिए था। यहाँ देखेंगे डिवाइडर पर रंगाई पोताई भी शुरू हो गया है, जबकि काम अभी पूरा हुआ नहीं है, लेकिन रंगाई पोताई करने के बाद इस पे पीला और काला पट्टी मारा जाएगा। जैसे जैसे मैं आगे चलूँगा आपको दिखाऊँगा सड़क कितना चौड़ा हो चुका है, क्योंकि आगे काफ़ी अच्छे से सड़क निर्माण कार्य चल रहा है। और नवीन पहाड़िया सब्जी मंडी से लेकर पांडेपुर चौराहे तक आपका काफ़ी सकरा ये फोर लेन सड़क मार्ग है, जबकि इस तरफ की चौड़ाई आप देखिए काफ़ी खुलापन दिखाई देगा। यहाँ देखेंगे तो बीचों बीच आपका इलेक्ट्रिक लाइट लगा दिया गया है। और यहाँ से मैं आपको दिखाऊं तो सड़क मार्ग भी यहाँ पर बना दिया गया है। एक तरफ यानी कि चार लेन है तो एक लेन यहाँ पर आप बना हुआ दिखाई देगा, और बीचों बीच लाइट के लिए खंभे लगा दिए गए हैं। आगे ही आपका आशापुर फ्लाईओवर, तो चलिए अब चलते हैं इस फ्लाईओवर से आगे की तरफ।
ये है आपका आशापुर फ्लाईओवर से आगे। यहाँ पर भी तोड़फोड़ का काम चल रहा है, नाली का निर्माण किया जाएगा जिसके लिए तोड़फोड़ कार्यक्रम यहाँ पर चालू है। काफ़ी भीड़ हो जाती है इस जगह पर आशापुर फ्लाईओवर के नीचे। जबरदस्त ट्रैफिक जाम लगता है क्योंकि बसें भी इसी तरफ खड़ी होती हैं और बनने के बाद इन सब पर रोक लगेगा तो ये सड़क मार्ग आपको थोड़ा सा जाम से मुक्ति मिलेगा। और वहीं तो यही कंडीशन रहेगी जैसे अभी आप देख रहे हैं। जैसे तैसे जाम से निकला और आप यहाँ देख रहे हैं काफ़ी चौड़ा ये सड़क मार्ग है। डिवाइडर अभी इस तरफ बनेगा और यहाँ से आपका डिवाइडर का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। अब इसी प्रकार आपको चौड़ा ये सड़क मार्ग दिखाई देगा संधार रिंग रोड तक। यहाँ पर अलग प्रकार के बिजली के खंभे लगाए जाएंगे और आप देखेंगे यहाँ तो यहाँ पर डिवाइडर भी काफ़ी चौड़ा है। पांडेपुर और नवीन सब्जी मंडी के पास जो डिवाइडर बन रहा है वो अलग टाइप का डिवाइडर है और यहाँ पर जो डिवाइडर बन रहा है वो उसकी चौड़ाई ज़्यादा है लेकिन इसमें आपका लोहे का ग्रिल बीचों बीच लगेगा। ये सड़क परियोजना आपका 2024 तक बनकर कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि इसमें 75% से ज़्यादा काम यहाँ पर हो चुका है। मुख्य काम रहता है भवनों का अधिग्रहण करना और उसके बाद लेवलिंग करना, पेड़ों को कटाई करना और ये सब होने के बाद काफ़ी तेज़ी से निर्माण कार्य होता है। बनारस में काफ़ी सारी सड़क परियोजनाएँ इस समय चल रही हैं जिसमें से आपका ये सड़क परियोजना है कचहरी से लेकर रिंग रोड तक और उसके बाद आपका मोहन सराय से लेकर कैंट स्टेशन तक, उसके बाद आपका है पड़ाव से लेकर मुगल सराय तक, पड़ाव से लेकर रामनगर तक और
आपका लहर तारा से लेकर बीएचयू होते हुए सुंदरपुर बीएचयू और रविंद्रपुरी तक के ये सभी सड़क परियोजनाएं कंप्लीट हो जाएंगी तो काफ़ी शानदार ये बनारस में आवागमन का साधन होगा। यहाँ एक बार फिर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर बीचों बीच लाइट यहाँ पर लगा दिया गया है खंभे गाड़ने के बाद, और डिवाइडर जैसा कि देख रहे हैं डिवाइडर भी बन चुका है, सिर्फ आपको यहाँ पर लोहे का ग्रिल लगाना बाकी है। आगे में ही आपका संधार रिंग रोड है जो आगे चले जाएगा, आपका गाजीपुर मऊ के लिए आगे चले जाएगा, गोरखपुर गाजीपुर। देख रहे हैं इसी प्रकार आपका बीचों बीच डिवाइडर पर रेलिंग लगाया जाएगा, जैसा कि ये रेलिंग आप देख रहे हैं यहाँ पर लगा दिया गया है। आगे ही आपका संधार रिंग रोड। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ और मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, हर हर महादेव।